दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं 75 किलोवाट का मेरा जो मोटर होता है उसका मेजरिंग हम लोग कैसे करते हैं। ये हमारे पास मोटर चेकर लगा हुआ है EMC 380। हम इससे पहले इंसुलेशन लेंगे, इसके बाद रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लेंगे। दोस्तों ये मेरा मोटर है, मोटर का ये हमारा कनेक्शन दिखाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये हम एक हमारा मेगर का लीड यहाँ पे इसकी बॉडीज लगाएं, एक दूसरा बॉडीज लगाए हैं। पहले मैं मेगर को चेक करूँगा, मेगर मेरा सही है कि नहीं देख पा रहा हूँ। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे मेगर मेरा शॉर्ट बता रहा है, मतलब मेगर मेरा सही है। अब मैं फेस टू ग्राउंड लूँगा, इंसुलेशन लूँगा। पहले मैं आर फेस में लगा रहा हूँ, आप देखेंगे इसको। देखिए मैं आर फेस में इसको लगा दिया हूँ। अब मैं इसकी इंसुलेशन वैल्यू लूँगा। पहले ये देख पा रहे हैं आप इंसुलेशन ले रहा हूँ। पहले इस लीड को इंसुलेशन में लगाई कि देखिएगा, हमारे ये LT मोटर है तो मैं 500 वोल्ट जैसा कि देख पा रहे हैं उससे वैल्यू ले रहा हूँ। कितना आ रहा है आप देख पा रहे हैं, मतलब मेरा ओपन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आर फेस में मेरा ओपन आ रहा है। अगला फेस देखिए मैं, अभी देख पा रहे हैं उसको बाय फेस में लगाया है और बॉडी के रेफरेंस में अभी देख पाएंगे आप कितना इंसुलेशन आता है। आप देख पा रहे हैं इसको भी, ये भी ओपन आ रहा है मेरा। अब मैं बी फेस में देखूंगा कितना आ रहा है, ग्राउंड टू बी में कितना आएगा। ये देखिए, ये भी हमारा ओपन आया। तो दोस्तों हमारा जो इंसुलेशन है बॉडी के साथ फेस टू बॉडी, वो सही आ रहा है, मेरा ओपन आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसका बॉडी तीनों फेस का रेजिस्टेंस लूँगा, इसके बाद इंडक्टेंस लूँगा। अभी देखिए मैं आपको आर और बाय फेस का रेजिस्टेंस लेके बता रहा हूँ। देख पा रहे हैं मैंने दोनों केबल को आर और बाय फेस में लगा दिया है, जो मेरा मेगर का है। और ये आप देख पा रहे हैं इसको भी मैं रेजिस्टेंस के पोर्ट में लगा दूंगा। ये रेजिस्टेंस का पोर्ट है, अब देखिए ये कॉमन पोर्ट है, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का है। और यहाँ पे हमारा सिलेक्टर स्विच है, उसको भी मैं यहाँ पे देखेंगे आप, इसको भी मैं क्या करूँगा रेजिस्टेंस में सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और रेंज यहाँ पे देख पा रहे हैं आप दो रखे हैं। अभी देखिए आर और बाय फेस में मैं देख रहा हूँ कितना मेरा रेजिस्टेंस दिखाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं 0.11 ओम इसका रेजिस्टेंस आ रहा है मेरा आर और बाय फेस का। अब मैं आर बाय और बी फेस का ले रहा हूँ, बाय पी और बी फेस का भी देखूंगा मैं थोड़ी देर के लिए, एक बार और उसको लीड को देखूंगा देख कितना आ रहा है। दोस्तों हम लोग अभी बाय और फीस बी फेस का रेजिस्टेंस लेंगे, ऐसा ही दे पा रहे हैं आप। देखिए मेरा सेम आ रहा है 0.11 ओम। अभी मैं क्या करूंगा, आर और बी फेस का रेजिस्टेंस लूंगा। ये मेरा आर में और बी फेस में, मतलब आर में और बी फेस में लगाया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस लेके बता रहा हूँ आपको। वो भी 11 आया, मतलब तीनों बाइंडिंग का हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम आया, मतलब मेरा बैलेंस है। अब मैं इसका इंडक्टेंस लूँगा, ये हमारा ये सिलेक्टर स्विच को मैं इंडक्टेंस में सिलेक्ट कर दूँगा और जो रेंज वाला है उसको वहीं पर रहने दूँगा उसमें कुछ। दोस्तों अभी इंडक्टेंस का वैल्यू ले रहे हैं, ये मेरा दोनों फेस में लगा दिया हूँ, देखिए आर में और बाय फेस में। अभी मेरा इंडक्टेंस आएगा मिली हेनरी में, देखते हैं कितना मिली हेनरी आता है। देखिए 3.6 मिली हेनरी इसका इंडक्टेंस आ रहा है आर और बाय फेस का। अभी मैं देखूँगा आर और बी फेस का कितना आएगा, उधर से चेंज कर दिया, देखिए उसका भी 3.45 से बैलेंस आ रहा है, आर आर सेम बैलेंस आ रहा है। अब देखिए मेरा ये फाइनल है, अभी हम लोग बाय बी का इंडक्टेंस लेंगे। देखिए अभी बाय बी का इंडक्टेंस कितना आ रहा है, ये अभी बैलेंस नहीं आ रहा है। एक बार मैं लीड को, हम एक बार केबल को और लीड है हमारा उसको एक बार और हिला के देखूंगा कहीं सेम आ जाए, नहीं तो इंडक्टेंस का वैल्यू तो वैल्यू ही करता ही है, आप लोग सभी जानते हैं। एक बार वो ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, उतना ही आ रहा है, इसका मतलब वो सही है। इसका वैल्यू बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप इस तरह से मेरा लाइव मेजरिंग हम लोग किए थे 75 किलोवाट का जो हमारा मोटर था उसका, जैसा कि आप देख रहे हैं डेल्टा में कनेक्शन था, आप देख पा रहे हैं ये
उसका भी हम लोग मेजरिंग किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और